हेलो साथियों, दिस इज राम। एक बार फिर से मंजू श्री फाउंडेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में वर्नियर कैलिपर को फिजिक्स की सीरीज में किया था। उस वर्नियर कैलिपर को डीपीपी को हम करने जा रहे हैं। डीपीपी आपको पहले टेलीग्राम में दे दी गई थी। आई होप आपने अटेम्प्ट की होगी, आपने उसे सॉल्व किया होगा। उसी डीपीपी के सॉल्यूशन को हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है और एज अ एक ब्रदर सलाह है कि अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ट्रस्ट में हम पर भरोसा करें। और यहाँ गारंटी है पूरे सिलेबस की, आपके पूरे फाउंडेशन की, 11th 12th, देन उसके बाद जो भी आपका बेसिक आगे आएगा नीट के लिए, आईआईटी के लिए, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं, कोई बैच नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के हम डीपीपी में देखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमने मेन तीन चीजों पर फोकस किया था पहले वर्नियर कैलिपर के चैप्टर में, और आपको वही चीजें याद रखनी भी है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में आती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको यहाँ पे जीरो एरर को ध्यान देना है। दूसरी सेकेंडरी बात, आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट ध्यान देना है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको मेन स्केल की रीडिंग ध्यान देनी है। और चौथी बात, वर्नियर स्केल रीडिंग। और पांचवी बात, वर्नियर स्केल डिविजन और मेन स्केल डिविजन को आपको ध्यान देना है। अगर आपको प्रीवियस क्लास में इतनी बातें समझ में आ गई थी तो आई होप कि आपसे पूरी डीपीपी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप पहले देखें, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी लें और फिर आगे आकर के डीपीपी को सॉल्व करें। तो हम पहले एक रिकैप दे देते हैं। बैकअप में, फ्लैशबैक में जाना जरूरी होता है ना। अगर एक्टर और एक्ट्रेस की कहानी समझनी है, कहाँ से शुरू हुई थी विलन के आने से पहले, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में। तो फ्लैशबैक में सिंपल सी बात इतनी सी है कि ये जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं, चाहे XM0 हो या X हो या XV0 हो या आपके पास XM हो या XV हो, इन सारे टर्म्स की क्लियरिटी हमने लास्ट क्लास में की थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, अगर हम मेन स्केल को देखेंगे तो मेन स्केल की शुरुआत यहाँ से होती है, इस जीरो से लेकर के। बट अगर आप यहाँ पर जॉ को देखेंगे तो फिक्स जॉ हमारा कहाँ पर है, मेन स्केल वाला है, जीरो से आगे, यानी ये बीच में गैप मिल रहा है। ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे XM0। क्या बोलेंगे, XM0। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट, या अगर मान लो कोई क्यूब है, कोई सर्कुलर पार्ट है, कोई क्वाइन है, कोई मार्बल है, जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। कल लास्ट क्लास में हमने डायमीटर फाइंड करके दिखाया भी था इसका कि कैसे फाइंड होगा। क्लियर है? तो हमें अगर डायमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या देखना होगा, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कहां पर है, फिक्स जॉ में, और फाइनल पॉइंट कहां पर है, ये जो हमारा एडजस्टेबल जॉ है, जो हमारा मूवेबल जॉ है, जो कि वर्नियर कैलिपर का है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो यहां से यहां तक अगर देखेंगे, बट जो स्केल की रीडिंग है वो कहां तक है, वो यहां से जीरो से लेकर के आप यहां तक ही तो मेजर करोगे, जो कोइंसिडेंस पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यहीं तक मेजर करोगे ना, या तो यहां से यहां तक मेजर कर लोगे, बट इस डिस्टेंस का क्या। तो ये होगी हमारी XM0। तो अगर इसकी आप डायमीटर फाइंड करेंगे तो डायमीटर का क्या निकलेगा, XM0 + X। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करेगी और ये डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करेगी। तो दोनों का जब आप सम कर दोगे तो क्या मिलेगा, आपको डायमीटर मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो वर्नियर स्केल कहां पर है, वर्नियर स्केल का जो पहला ग्रेड है, जैसे जीरो पॉइंट बोलेंगे आप, तो यहां पर है, आप ये देख रहे होंगे इसकी पोजीशन। लेकिन जो की पोजीशन कहां पर है, यहां पर है। तो ये जो डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे आप बोलोगे XV0। इज इट क्लियर?
और जो ये डिस्टेंस आपकी जीरो से लेकर के इस पॉइंट तक है, आप उसे क्या बोलोगे? एक्स वी। क्या ये बात क्लियर है? हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया था। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो हमने दो फार्मूले बताए थे। एक लीस्ट काउंट का सिंपल सा फार्मूला बताया था कि आपके पास अगर एम एस डी है यानी मेन स्केल डिवीजन, तो उसमें से वी एस डी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट मिल जाएगा। यानी वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो मेरे साथियों, मेरे भाइयों। तो हमें क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट मिल जाएगा। हमने जीरो एरर को भी देखा था, तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को, उन्हीं की डीपीपी को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल कह रहा है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो। कह रहे द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स शोन इन फिगर थ्री, क्योंकि हमने दूसरा फिगर पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, इससे जो पहले क्लास आई है। आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फाइंड द जीरो एरर ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। कह रहा है मेरे भाई कि आपको यहां पर वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर फाइंड करनी है, तो आपको यहां पे क्या करना होगा? आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है, जो कि हमने लास्ट क्लास में प्रूव भी कराया था कि आखिर फार्मूला कैसे आएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है मेरी? तो अगर आप यहाँ पे जीरो एरर को देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाते हैं? एक फार्मूला सिंपल सा निकल के आता है जीरो एरर का, कि आपके पास एम एस जीरो होना चाहिए, क्लियर है? प्लस में क्या होना चाहिए? आपके पास प्लस में वी एस जीरो होना चाहिए, वी एस जीरो होना चाहिए, और वी एस आर, ठीक है, वी एस आर जीरो प्लस आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिस्ट काउंट होना चाहिए। क्लियर है ये बात? क्या होनी चाहिए? लिस्ट काउंट। तो आप क्या फाइंड कर लोगे? आपको जीरो एरर मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो अगर यहां पर गौर से देखेंगे, इस वाले फ्रेम में देखिएगा, इतने फ्रेम के अंदर, तो आपके पास देखेंगे एम एस जीरो जो है वो क्या है? जीरो है। कैसा है? जीरो है, ठीक है भाई। यहां पर हमारे पास ये जीरो है। प्लस अगर आप इस सवाल में देखेंगे, इस डायग्राम में, तो जो वी एस जीरो है वो आपका क्या है? कोइंसिडेंस पॉइंट है। किसका कोइंसिडेंस पॉइंट है? कोइंसिडेंस पॉइंट कहां पर होता है? जहां पर वर्नियर स्केल की कोई ग्रेड मेन स्केल की ग्रेड से सिमिलरली मैच हो जाए, यानी एज इट इज हो जाए, एक ही लाइन पे अलाइन हो जाए, तो वहां पर क्या होगा? वो रीडिंग होती है वी एस आर, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पर कहां अलाइन हो रहा है? देखो, वन टू थ्री, यानी वी एस आर जीरो कितना होगा? थ्री होगा। यहां पर कितना हो गया? थ्री हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? कितना हो गया? थ्री। अब लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट को हमने क्या बताया था? सिंपल से बताया था कि वन जो आपका वी एस डी निकलेगा वो कितना निकलता है? 9/10 एम एस डी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? और वन एम एस डी इक्वल कितना होता है? वन एम एस डी इक्वल, देखिए यहां पे लिखा है, वन एम एस डी इक्वल 1 mm। तो वन वी एस डी कितना निकला? वन वी एस डी निकला 0.9। क्लियर है? तो जो लिस्ट काउंट है उसका फार्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट का फार्मूला होगा एम एस डी माइनस वी एस डी। तो हमारे पास एम एस डी कितना है? 1, और हमारे पास वी एस डी कितना है? 0.1। यानी यहां पर लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.1, सॉरी, वी एस डी कितना है? 0.9, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 0.1। यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन करा दोगे किसका? 0.1 का। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको 0.3 की एरर मिल जाएगी, 0.3 mm की एरर मिल जाएगी। क्या अब आप किसी भी क्वेश्चन का जीरो एरर फाइंड कर सकते हैं? बहुत इजी है। आपको सिंपली लिस्ट काउंट पता हो, सिंपल सी बात है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 होता है। आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो इतना याद कर लीजिए कि आपको 10 VSD, जो कि आपके वर्नियर स्केल डिवीजन है,
इक्वल 9 MSD, यानी कि इसके वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल के क्या 10 डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल होते हैं। बस आप वहां से 1 BSD की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो कि आपको मिल जाएगी 0.9। फिर आपको क्या करना है, MSD में BSD को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट फाइंड कर लोगे आप। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे जीरो एरर कितना आया है, यहाँ पर जीरो एरर आया है 0.3 mm। कितना आया है भाई, 0.3 mm। एजिट क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ये एक डायग्राम गिवन है, जो कि डायग्राम नंबर 4 है, और इसमें कह रहा है कि द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ द एग्जांपल इज यूज टू मेजर द एज ऑफ अ क्यूब। इसके अंदर हमने एक क्यूब को फंसा रखा है इन दोनों जॉ के बीच में। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये क्यूब है। क्या है ये, एक क्यूब है। हमने इस क्यूब को क्या कर रखा है, यहाँ पे फंसा रखा है। कर द रीडिंग आर शोन इन द फिगर 4, फाइंड द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, एज लेंथ फाइंड करनी है किसकी, क्यूब की। बात को गौर से समझिएगा, यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जो भी हमें यहाँ पे एज मिलेगी उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पल अगर हमें निकालना है, अगर मैं मान लूं ये जो एज है ये कितनी है, ये ए है, कितनी है, ए है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे MSR होना चाहिए पहली बात, यानी कि मेन स्केल रीडिंग होनी चाहिए। देखिए अगर डायग्राम में आपको मेन स्केल रीडिंग न दिखाई दे बाई चांस, क्योंकि मे भी हो सकता है इतना जूम डायग्राम नहीं है, तो वैल्यू सपोज कर लेना कि आपने कोई वैल्यू यहाँ पे ले रखी है, कोई वैल्यू गिवेन, ठीक है, MSR पता होना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको VSR पता होना चाहिए, वर्नियर स्केल रीडिंग देखनी आनी चाहिए। थर्ड बात, आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, इनटू लिस्ट काउंट। और फोर्थ बात, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे -0 एरर। देख रहे हैं 0 एरर का कितना रोल है, क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप समझ लीजिए हो गया ये न्यूमेरिकल सॉल्व, हो गया, मिनटों का खेल है ये। आपको अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं, आप इतनी रीडिंग इतने डिविजन्स देखने में कंफर्टेबल हैं, लिटरली बिलीव मी आप एग्जाम में गर्दा गर्दा कर दोगे वर्नियर कैलिपर के आने वाले सवालों को। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे अगर देखेंगे MSR को हम काउंट करें, देखिए अगर MSR को काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक हमारे पास कितने ग्रेड हो गए, 10 ग्रेड हो गए। फिर यहां से यहां तक कितने हो गए, 10 ग्रेड हो गए, 10 10 कितने हो गए, 20। अब हमें वो पॉइंट देखना है, उस पॉइंट पे गौर करना है जिस पॉइंट पर VSR यानी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है या जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है जहां पर अलाई कर रहा हो किससे, मेन स्केल से। तो देखो यहां पर अलाई कर रहा है, नहीं कर रहा, यहां पे भी नहीं कर रहा, यहां पे नहीं कर रहा, यहां पे नहीं कर रहा, कहां पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये कितने हो गए, ये 5 हो गए हमारे। क्या बात क्लियर है, कितने हो गए, 5। तो आप क्या कहेंगे कि जो MSR है वो कितना होगा, 25 होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। MSR हमें कितना मिला, 25। इज इट क्लियर और नॉट? तो VSR कितना मिलेगा, कितने हो गए, 2 4 6 1 7, VSR कितना हो गया, 7। क्या बात क्लियर हो रही है? MSR कितना, 25, VSR कितना, 7। क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? आ गया समझ में? हमारे पास लिस्ट काउंट कितना होगा, देखिए हमें MSR मिला 25, VSR हमें कितना मिला, 7, क्योंकि VSR हमारा क्या है, 7, क्योंकि जो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कहां पर अलाई कर रही है, मेन स्केल की रीडिंग पर, ठीक है। लिस्ट काउंट कितना होगा हमारा, 0.1। हमने जो 0 एरर फाइंड की है पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 0 एरर हमारी कितनी मिली थी,
0.3। अच्छा, हम उसकी जीरो एरर क्यों ले रहे हैं भाई? उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमने एग्जांपल वन लिया है उसे यूज करो और इस की एज को मेजर करो। जो हमने पहले एग्जांपल ले लिया है, जो हमारा एबव एग्जांपल है, इस वजह से वहां से हम जीरो एरर को ले रहे हैं। अगर वहां पर जीरो एरर ना होती तो हमें जीरो एरर यहाँ से फाइंड करनी पड़ती। क्या बात क्लियर है? लगा दो फार्मूला मेरे भाइयों, क्या निकलेगा? ए इक्वल एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। क्या निकलेगा? एम एस आर कितना है? 25। वी एस आर कितना है? 7। लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.1। जीरो एरर कितनी है? 0.3। इज इट क्लियर? सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, 25 प्लस 0.7 माइनस 0.3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 25 प्लस कितना आया? 0.4। क्यों? क्योंकि 0.7 में 0.3 क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए, तो कितना बचा? 0.4। तो कितना हो जाएगा ये? 25.4 mm। और अगर इसे आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो 22.54 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो हमें यहां से क्या मिल गया? हमें यहां से एज ऑफ द लेंथ मिल गई क्यूब की। इक्वल कितना आ गया हमारे पास? अगर आप एमएम में देखोगे तो 25.4 mm आपको मिला, अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो 2.54 सेंटीमीटर मिला। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपको केवल यहां पर रीडिंग ध्यान देनी है। सवाल में रीडिंग कुछ भी हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कि अगर आपको किसी एज को निकालना है तो आपके पास एम एस आर होना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग होनी चाहिए, आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग होनी चाहिए, आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए और आपको जीरो एरर फाइंड होना चाहिए आपके पास। बस सिंपल सा फार्मूला लगा दो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि द जॉ ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन फिगर 5 आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है भाई साहब, फाइंड द जीरो एरर ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। यहां पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि यहाँ पे जो जॉ है वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, और दूसरी बात ये कि कह रहा है फाइंड द जीरो एरर, हमें जीरो एरर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी जीरो एरर हमारी? तो आपको सिंपल सी बात है, कौन सा फार्मूला लगाना है? अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमने जीरो एरर की फार्मूले क्या पढ़े हैं? जीरो एरर को हमने सिंपल सा पढ़ा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एम एस जीरो प्लस बी एस जीरो इंटू लिस्ट काउंट होनी चाहिए, तीनों बातें। अब यहां पे अगर देखोगे तो जो आपकी वर्नियर स्केल की जो आपकी रीडिंग है, आप देखिए इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है कहां पे चला गया है? ये इस जीरो के बियॉन्ड, यानी राइट लेफ्ट में। अब यहां पर तो ग्रेडिंग्स है नहीं कि आपको ग्रेडिंग्स पता होगी, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर जीरो के बाद जो इतना गया है तो मे भी हो सकता है माइनस वन हो। अब इस केस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक ये स्टैंडर्ड केस है और यहाँ पर रीडिंग कुछ भी दे सकता है आपके एग्जाम में। क्या होगी? माइनस वन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ पर इसकी इसकी रीडिंग क्या है? जीरो है, जीरो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपके पास क्या क्या मिला? आपको एम एस आर मिला, आपको वी एस आर मिला, आपको लिस्ट काउंट पता है। लिस्ट काउंट कितना? 0.1। क्या वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? निकलेगा या नहीं निकलेगा? चलिए सिंपल से देखिए, यहां पे कितना? माइनस वन। गौर से देखिएगा, अगर हम फार्मूले पे जाएंगे तो जीरो एरर क्या होगा? जीरो एरर सिंपली सा क्या आएगा? आपका एम एस आर, मान लो एम एस आर जीरो, वी एस आर ठीक है इंटू लिस्ट काउंट। यहां पर एम एस आर जीरो कितना है? माइनस वन। वी एस आर कितना है? वी एस आर होगा कितना? आपका यहाँ पे देखिए गौर से डायग्राम में, उस कोइंसिडेंस पॉइंट को ध्यान दीजिए जहां पर मेन स्केल की ग्रेड
और वर्नियर स्केल की ग्रेड अलाइन हो, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको इस फोर्थ पोजीशन पे क्या मिलेगी, अलाइन पोजीशन मिलेगी। ये देखिए, यानी फाइव से जस्ट पहले, तो वी एस आर क्या होगा, फोर होगा। कितना होगा, फोर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फोर इंटू लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1। इज इट क्लियर। यहाँ पे कितना निकल के आया, माइनस वन प्लस 0.4। तो यहाँ पर जो आपको लिस्ट काउंट मिलेगा कितना मिलेगा, माइनस का 0.6, सॉरी जीरो एरर। तो जीरो एरर कितनी मिली, माइनस की 0.6। इज इट क्लियर और नॉट, नहीं आया समझ में, कुछ नहीं देखना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे मेनिस्कल रीडिंग देखनी है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपको ये मिला कि जो MS जीरो है वो कहाँ चला गया है, माइनस में चला गया है इस साइड। आपको VSR कैसे मिलेगा, बार बार बोला है को इनसाइड पॉइंट ढूंढो, जहां पर वर्नियर स्केल की ग्रेड, कोई भी ग्रेड कुछ भी हो, आप में उसको बायलिटरली नहीं देखना है, आपको न्यूट्रल होकर देखना है, जहां पर अलाइन करती हुई मिल जाए, बस वो आपकी क्या हो जाएगी, VSR हो जाएगी। लिस्ट काउंट तो आपको पता ही है, रट्टा मान लो 0.1 होती है, नहीं है पता तो इतना रट्टा मान लो 10 VSD = 9 MSD, और बस MSD - VSD कर दोगे तो क्या निकल आएगा, लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलें। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ एग्जाम्पल 3, जो अभी हमने आगे देखा, पहले जो अभी करके आ रहे हैं, जिसका जीरो एरर फाइंड किया है माइनस का 0.6, इज यूज टू मेजर द एज ऑफ अ क्यूब, करे उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, एक क्यूब के मेजर करने में, एक क्यूब की एज को मेजर करने में, ठीक है भाई। करे द रीडिंग आर शोन इन द फिगर 6, करे इस फिगर में जो रीडिंग शो की गई है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द एज लेंथ ऑफ द, यानी हमें एज फाइंड करनी है क्यूब की। क्या ये बात क्लियर है मेरे साथियों को, जो पहला सवाल था उसमें हमने क्या किया था, जीरो एरर फाइंड की थी, दूसरे सवाल में एज फाइंड की थी, तीसरे सवाल में हमने क्या किया, जीरो एरर फाइंड की, अब चौथे सवाल में क्या करने जा रहे हैं, फिर से हम इस क्यूब की एज को फाइंड करने जा रहे हैं, यानी इस लेंथ को फाइंड करने जा रहे हैं। क्या बात क्लियर हो रही है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपकी सिंपल सी बात है, जो हमने लास्ट फार्मूला लगाया था एक पल में, MSR आपको चाहिए, मेनिस्कल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए, ठीक है, आपके पास लिस्ट काउंट होना चाहिए इनटू में माइनस जीरो एरर। चलिए फटाफट पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए कि रीडिंग कितनी कितनी है, MSR कितनी है, VSR कितनी है, लिस्ट काउंट कितना है, क्या आप देख पाएंगे, क्या आप उस अलाइन पॉइंट को यहाँ पे ढूंढ पाएंगे जहां पर मेन स्केल की ग्रेड और वर्नियर स्केल की ग्रेड अलाई कर रही हो, तभी आपको क्या मिलेगा, VSR। क्या मेरे साथियों को क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। अगर यहां पर देखेंगे तो आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, गौर से देखिए, यहां तक की टेन, चलिए काउंट करिए, 10 के बाद क्या हो गया, 11, 12, 13, 14, यानी कि 10, 10, 20, और 20 + 4 कितना हो गया, इस साइड 4, 24, यानी कि MSR हमें कितना मिल, 24, MSR कितना मिला, 24, VSR कितना है, यहां से देखना चालू करो, अब यहां से बताओ कहां पे अलाई कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे एजेटिज नहीं कर रहा है, यहाँ पे अलाई कर रहा है, ये देखो, तो कितना हो गया आपकी 5 रीडिंग, ये हो गई 6, 7, 8, तो VSR कितना है, 8। आपको जीरो एरर कितना मिला था, जीरो एरर हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में कितना फाइंड किया था, वहीं से जीरो एरर लेना है ना, तो हमने फाइंड किया था माइनस का 0.6। हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है भाई साहब, हमारे पास लिस्ट काउंट है 0.1। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, तो क्या हम फार्मूले में रख दें, लगाइए फार्मूला फटाक से, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से कैलकुलेशन करिएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, MSR + VSR
इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक है, 24 प्लस 8 इंटू 0.1 लिस्ट काउंट है माइनस माइनस 0.6, यहां पर कितना होगा 24 प्लस 0.8, गौर से देखिए ऐसे माइनस माइनस प्लस प्लस 0.6 कितना हो गया मेरे साथियों, यहां पर देखेंगे 24 प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 1.4, ये कितना हो गया 25.4 mm, यानी कि अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या निकलेगा 2.54 सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आ रही हैं आपके, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है, डायग्रामेटिक फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको एमएसआर समझने की नीड है, आपको वीएसआर समझने की नीड है बस। अगर एमएसआर वीएसआर आप समझ गए तो जीरो एरर तो आप फाइंड ही कर लोगे, क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लिस्ट काउंट, जीरो एरर आपको मिल जाएगी, कुछ भी आप वहां पे फंसा दोगे, ठीक है, हमने क्यूब फंसा दिया, कोई बॉल फंसा दी, अब आपको क्या फाइंड करना है, उसकी डायमीटर फाइंड करनी है, उसकी एज फाइंड करनी है, सिंपल सा आप क्या करोगे फार्मूला लगाओगे एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, आपके पास सारी वैल्यू है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा मेरे साथियों, क्या ये बात क्लियर है। चलिए रुक करते अगले सवाल की ओर, सिम खुल जा, ये रहा आपका अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर 7, कह रहा है कि जो इस फिगर में शो किया गया है उसका लिस्ट काउंट फाइंड करो। क्या इस सवाल को आपके भरोसे छोड़ दें, पॉज कीजिए एक मिनट में और फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तुरंत कि आपका कितना आंसर आ रहा है। आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है, कुछ नहीं फाइंड करना, आपको यहाँ पे क्या क्या शो किया गया है देखिए, यहाँ पे क्या क्या शो किया गया है, आपको यहाँ पे शो किया गया है कि 1 mm = 1 mm है, और इस वर्नियर स्केल के केस में जो आपका VSD का केस है यानी कि 5 VSD = 4 MSD बताया गया है, तो अगर इस केस में आप VSD की वैल्यू निकालोगे 1 VSD = कितना निकलेगा 4/5 MSD। इस डायग्राम में देखना है, दुनियादारी नहीं देख, तो यानी कि 1 VSD निकालोगे तो कितना आएगा 0.8 MSD आएगा। क्लियर है, लिस्ट काउंट कितना होता है मेरे भाई, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, MSD माइनस VSD, एक ये भी तो फार्मूला होता है, डायरेक्टली निकाल लो, आपके पास MSD कितना है 1 mm, VSD कितना है 0.8, तो आपके पास लिस्ट काउंट क्या आएगी 0.2 mm। क्या ये बात क्लियर है, अगर क्लियर है, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना ना भूला करें, चैनल को शेयर किया करें, जितनी जल्द ये हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली 1000 की हो जाएगी आई गारंटीड मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा, आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा आपके और हमारे बीच। तो ये थे हमारे कुछ DPP के आज top 5 क्वेश्चन, और उन सवालों को हमने समझा, उन सवालों को हमने किया, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू सो मच।